हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह के समय झुमरी देवी झूमते हुए टेबल पर खाना लगा रही होती है, तभी उसका पति रमेश और बेटा रोशन नाश्ते के लिए हॉल में आते हैं और झुमरी को खुश देखकर उसका पति रमेश कहता है, क्या बात है झुमरी, बड़ा झूम रही हो। उका है ना, गांव से फोन आया रहे, लाली को 2 बच्चा हुआ है। क्या 200 बच्चे? कारे नलायक, नहाते वक्त कान साफ काहे नहीं करता, 200 नहीं 2। हाँ तो हिंदी में बोला करो ना, पर मैं बच्चे किसी और को हुए हैं और यहाँ खुशी से आप बोला रही हो। वैसे कौन है ये लाली? अयो दादा, कितना कमजोर बुद्धि बतोहार। अरे लाली हमारी भैंसिया रही, तू तो बिसर ही गवा। हे भगवान, भैंस के बच्चे होने पर इतनी खुशी, माँ गजब ही हो आप भी। हाँ तक गजब लोगन का ही जमाना बा, और इसी खुशी में बढ़िया खाना बनाइल बानी, अब हमार थोबड़ा ना निहार खाना ठूसा। इतना कहकर वो सबको खाना परोसती है। खाना खाते हुए रमेश के मुंह में सफेद बाल आ जाता है, जिसे हाथ में पकड़े वो कहता है, ये क्या झुमरी, इस बुढ़ापे में 2-4 बाल रह गए हैं सर पर, वो भी तुम खाने में गिरा रही हो। हाँ हमारा बुढ़ापा दिखता, लेकिन बुढ़ापे में हम अकेले कुल घर के झाड़ू पोछा कटका खाना पीना बनावत आनी, वो नहीं के दिखत। अरे कब तक हम ही घर में अकेले खटत रही। माँ माँ माँ, एक तो थोड़ा हिंदी में बोलने की कोशिश किया करो, आपकी बातें समझना मुश्किल हो जाता है। कैसन बुड़बक औलाद है हमार, तो इके अपन माई के बात ना समझ आवेला। अरे नलायक, हम तो हर बिहा के बात करता नहीं, ताकि घर में बहुरिया आए, काम धंधा में हमार हाथ बटाए। अरे माँ, काम के लिए नौकरानी रख लो और कर लूँगा शादी, अभी 1-2 साल रुक जाओ। बस तुहार 1-2 साल के राग से सुन सुन कर हमार खोपड़ी घूमता। हम तुहरे लिए एगो नीमन लड़की देखत बानी, हमारे फोनवा में फोटो है, एक बार देख ला। पापा आप माँ को समझा लो, इन्होंने फिर अपनी जैसी कोई भोजपुरी बोलने वाली लड़की देखी होगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, शादी जब भी करूँगा अपनी पसंद से ही करूँगा। हाँ जरूर, फिर तो हमरे स्वागत धारने के बाद ही बिहाई रचाई हो, काहे से कि हमरे तो कोनो अरमान नहीं थे। कान में तेल डालकर सुन ले, बहुरिया तो हमार पसंद के ही आई घर माँ। इतना कहकर वो झूमते हुए कमरे से चली जाती है। झुमरी देवी अपने लिए एक खुद के जैसी भोजपुरी बोलने वाली बहू चाहती थी, क्योंकि उसके घर में उसके अलावा कोई भोजपुरी बोलना पसंद नहीं करता था। इसीलिए वो अपने बेटे के लिए भोजपुरी बोलने वाली लड़कियों के रिश्ते तलाश रही थी। तो उधर उसका बेटा रोशन अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, इसीलिए इससे पहले उसकी माँ उसके लिए कोई भोजपुरी पत्नी ढूंढे, वो अपनी गर्लफ्रेंड सुनैना से शादी कर घर आता है। माँ मैंने शादी कर ली। तनिक लाज शरम बाकी बा की ना नालायक, अरे कौन नगर से बिहार आया है इसको, चाहे कुछ हो जाए हमके ये लड़की अपनी बहुरिया के रूप में स्वीकार नहीं खे। अरे झुमरी, गुस्से में कुछ भी बोल रही हो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचकर बोलो। अरे जब ही नलायक औलादी हमारी खोपड़ी को गर्म करने वाला काम किया है, तो कैसे शांत हो जाए, हमसे तो कहत रहे अबरी हमार बिहार करने की कोनो विचार नहीं खे, और आज देखो 7 फेरा लेकर चला आया। हाँ तो शादी नहीं करता तो आप तो अपनी पसंद की कोई भोजपुरी लड़की बांध देती मेरे पल्ले, मैं इससे प्यार करता हूँ इसलिए बिना आपको बताए शादी कर ली। हाय दैया, हमरे नसीब में ही कुकुर नियान औलादे काहे आई, मन तो कहता है कि एक कंटाप धर दे। झुमरी गुस्से में बोल ही रही थी कि तभी सुनैना उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहती है, प्रणाम कर अतानी सासू माई, इतना काहे खिसे अतानी। उसकी बोली सुन झुमरी हैरान रह जाती है और अपने कानों को खुजाते हुए कहती है, का बोली तनिक फिर से बोल। काहे कान में खराबी बाका, हम कहनी कि काहे अपन बिटवा पर चिल्लात हैं, अब ब्याह तो हो गयी बा, तो आशीर्वाद देकर घर के भीतर बुलावा। अरे झुमरी बहू की बोली तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, लो भगवान ने तुम्हारी सुन ली, अब तो माफ कर दो अपने बेटे को। हाँ तो इतना बतियाई कह रही है, जाकर आरती की थाली लेकर आई। तभी रमेश आरती की थाली लाता है और झुमरी दोनों की आरती उतार कर अपनी बहू का घर में प्रवेश करवाती है और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए सभी घर के मंदिर में जाते हैं, जहां रोशन सुनैना के कान में कहता है, तुम भोजपुरी कब से बोलने लगी, तुम्हें क्या करना है, सासू माँ मान गई, इसका शुक्र मनाओ। वैसे तुमने तो माँ को शौक ही कर दिया। तुम मुझे ये सब बता दे दे तो मैं उनसे पहले ही मिलकर इम्प्रेस कर देती और हम ऐसे शादी भी नहीं करनी पड़ती। छोड़ो अब जो हो गया सो हो गया। सुनैना की भोजपुरी बोली सुन झुमरी का गुस्सा पल भर में शांत हो जाता है। अगले दिन
वो सुनैना को रसोई में लेकर जाती है और कहती है, हाँ तो बहुरिया अपनी पहली रसोई में का बनाओगी? सासू माई हम तो कभी खाना बनाए ही नहीं है। अयो दादा तो खाली खाना खाने का ज्ञान है। अच्छा एक बात तो बतावा, ये भोजपुरी बोली कैसन सीखी? अरे सासू माई हमारी अम्मा भोजपुरी बोलत रहे तो उनको देखकर ही हम बोलना सीख गए, और देखो अम्मा के जैसे हमको भोजपुरी सासू माई भी मिल गई। दोनों सास बहू बातें कर ही रही थी कि तभी रमेश वहाँ आता है और दोनों को हंसते खिलखिलाते देखकर कहता है, अरे तुम भोजपुरी सास बहू की हंसी ठिठोली बंद हो गई हो तो नाश्ता भी दे दो। ला रहे हैं तनिक सबर करो। लगातार ससुर जी के बुढ़ापा में आकर भूख बर्दाश्त नहीं की सासू माई। अरे सारा सारा दिन तक खाट पे पसर के ठूसे के काम रहेला, फिर भी तनिक सबर नहीं के। आवा तोहार के खीर बनावा सिखावा तानी। दोनों सास बहू मिलकर नाश्ता तैयार करती हैं। धीरे धीरे दोनों सास बहू में अच्छी पटने लगती है। सब ठीक चल रहा था तभी एक दिन उसकी पड़ोसन सरिता एक साड़ी लिए वहाँ आती है और सुनैना से कहती है, बहू जरा अपनी सास को तो बोल मैं बुला रही हूँ। हाँ हाँ आंटी जी आप बैठिए ना, मैं बुलाती हूँ सासू माँ को। सासू माँ सरिता आंटी आई हैं आपसे मिलने। कहो सरिता आपका चाहिए तो के? चाय वाय नहीं पीनी मुझे, तू बस मुझे इस रंग का धागा दे दे। साड़ी में फॉल लगाने बैठी थी, फॉल पूरी लगी नहीं, धागा पहले निपट गया। तोरा तो दिमाग भी निपट गया है, कोनो से उधार का है नहीं ले लेती। बहुरिया जरा सुई धागा की डिबिया तो जाके दे। सुनैना साड़ी लेकर कमरे में चली जाती है तभी सरिता झुमरी से कहती है, क्यों री झुमरी तू तो कहती थी कि तेरी बहू भोजपुरी बोलती है लेकिन इसकी शक्ल देखकर तो लग रहा है इसे भोजपुरी का भाव ही नहीं आता। शक्ल तो तोहरी देखकर भी अंदाजा नहीं लागत कि तू एकदम पोपट हो सकत है, पर है ना? अरे आने दे, उसने तो मुझसे हिंदी में बात की। अरे मैं तो कहती हूँ जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं तो मोहल्ले में एक और भोजपुरी गवार की संख्या बढ़ जाती। तभी सुनैना बिना धागा लिए साड़ी को जमीन पर लहराते हुए वहाँ आकर कहती है, सासू माँ ये बेकार से रंग के धागा डिबिया में नहीं खे तो साड़ी चुड़ैल के वापस कर दा। क्या चुड़ैल? चुड़ैल कहा तूने मुझे? अब हमारी सासू माई को गवार कहे वाली कोनो चुड़ैल ही हो सकत है। अरे अपनी बोली बोलने वाले लोग गवार ना इज्जतदार होवे ले, काहे से कि हम लोगन के भोजपुरी बोले में कोनो लाज नहीं खे। ये क्या अनाप शराब बके जा रही है तेरी बहू झुमरी? अरे कहाँ से पकड़ के लाई है इसे? अब कनवा में पड़ी हमारी भोजपुरी बहू की बोली, अब यहाँ से रवाना हो जा नाता ही भोजपुरी सास बहू की खरी खोटी से तोहार कनवा से खून की धारा बह जाई। सरिता चुपचाप निकल ले वरना दोनों सास बहू भोजपुरी में बोल बोल कर तुझसे बहस करेंगी और फिर तुझे कुछ मांगने लायक भी नहीं छोड़ेंगी। सरिता बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप अपनी साड़ी लिए निकल जाती है और दोनों सास बहू एक दूसरे को देखते हुए प्यार से गले लग जाती है। अरे हिना कहाँ है तू? यार मुझे लेट हो रहा है। अरे आज ही बर्थडे पार्टी में जाना है मुझे, कल नहीं। अरे बाबा आ रही हूँ, इतना हाइपर मत होना, बस 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। कुछ देर बाद उसकी फ्रेंड हिना आ जाती है और कहती है, यार तुझे पता है ना कि शुभम का बर्थडे मेरे लिए कितना स्पेशल है, फिर भी तू ना नौटंकी करती रहती है। अब जल्दी से चल मेरे साथ और जींस दिला के ला मुझे। ओ माय गॉड व्हाट्स रॉन्ग विद यू नूपुर, बर्थडे शुभम का है, उसके लिए कोई शॉपिंग करोगी या नहीं या अपनी ही जींस खरीदोगी? पागल है क्या यार तू? मुझे उसका भी ख्याल है बट तू जानती है ना कि जींस को लेके मेरा क्रेज कैसा है। इतना कहकर दोनों मॉल पहुंच जाते हैं जहां जींस पर 70% डिस्काउंट चल रहा होता है और दोनों वहां से एक बार में 5-6 जींस खरीद लेते हैं। दोनों कुछ देर बाद में एक मार्केट से गुजर रहे होते हैं के तभी नूपुर की नजर 95% डिस्काउंट वाली रंग बिरंगी जीन्स पर पड़ती है और वो तुरंत वहां जाकर बोलती है, भैया सच में 95% की सेल है? आइए आइए, अरे 95% की सेल है, जितना लूटना है लूट लो भाई। अरे नीली पीली काली हरी, अरे कोई मर्जी जीन्स ले जाओ, अरे 95% सेल है, आइए आइए। वाह हिना देखना यार, वैसे तो मैं 2-4 जीन्स ले चुकी हूँ पर ये भी मुझे अच्छी लग रही है, यहाँ से भी ले ही लेती हूँ। देख यार वैसे हम ले चुके हैं और तेरा ज्यादा ही मन है तो ले ले एक दो। ओके भैया तीनों पैक कर दो और हाँ वो रफ वाली भी कर देना, वो वाली बड़ी मस्त लग रही है। नूपुर वहाँ से भी अपने और शुभम के लिए जीन्स ले लेती है।
और शाम को शुभम के लिए एक क्लब में बर्थडे पार्टी का सरप्राइज रखती है, जहां नुपुर अपनी 95% वाली सेल की जीन्स को पहन कर आती है और शुभम के दोस्त उसे झूठ बोलकर उसकी आईज पर पट्टी बांधकर वहां लेकर आते हैं। और वो जैसे ही एंट्री करता है पार्टी पॉपर्स ब्लास्ट होते हैं। इसके बाद में शुभम की आंखों से सब दोस्त पट्टी हटा देते हैं, जिसके हटते ही सॉन्ग चलने लगता है और उसके सभी फ्रेंड्स उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं कि तभी नुपुर बोलती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शुभम, हैप्पी बर्थडे टू यू। नुपुर, तुमने मेरे लिए बर्थडे सरप्राइज रखा? ओए, बातें ही करोगे या शुभम के केक का मर्डर भी करोगे? जिसके बाद शुभम नुपुर के साथ मिलकर केक कट करता है और उसे खिलाता है। सभी लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं और इसी के साथ में डांस करते हैं, जिसके बाद में सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। ऐसे ही दो दिन बाद में नुपुर अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही होती है कि तभी अलमारी को देखकर उसे ये लगता है कि उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़े ही नहीं है और वो खुद से कहती है, आज क्या पहनूं, कॉलेज जाना है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ओ यस, उस दिन इतनी सारी जीन्स ली थी, वही पहनूंगी। नुपुर जैसे ही कबर्ड में से अपनी जीन्स को निकालती है कि तभी उसे सामने रखा हुआ शुभम का गिफ्ट दिखाई देता है, जो कि उसने उसे बर्थडे पर नहीं दिया था, और वो अपने आप से कहती है, ओ नो, मैं तो भूल ही गई कि शुभम को भी उसका बर्थडे गिफ्ट देना है। चलो कोई नहीं, कल तो हम दोनों बाहर जाने ही वाले हैं, तभी दे दूंगी। अपनी जीन्स को पहनकर वो कॉलेज जा रही होती है कि तभी अचानक रास्ते में तेज की बारिश शुरू हो जाती है और उसकी जीन्स का सारा रंग निकल जाता है। कॉलेज पहुंचते ही उसके दोस्त उसे ऐसे हाल में देख लेते हैं और जीन्स के फेड होने के कारण वो उसका मजाक उड़ाते हुए उससे बोलते हैं, ओहो नुपुर, ये कैसे जीन्स ले आई है यार, इसका तो सारा कलर ही उड़ गया है, अभी दो दिन पहले ही तो शॉपिंग की थी तूने हिना के साथ। सो व्हाट, हो गई तो हो गई। तू भी ना नुपुर, पता नहीं कहां कहां से शॉपिंग कर लेती है। मॉल से ही लेकर आई हूँ, और वैसे भी कभी कभी मॉल की चीजें भी ना बेकार निकल जाती है, समझे तुम। ये बोलकर उसके दोस्त चले जाते हैं, लेकिन नुपुर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही अगले दिन नुपुर शुभम के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए एक रोमांटिक जगह जाती है, जहां वो उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देती है। दोनों साथ में लंच करते हुए खूब इंजॉय करते हैं। वक्त बीतता है और दोनों अपने घर वालों से शादी की बात करते हैं। घर वाले राजी होकर अगले महीने ही दोनों की शादी करवा देते हैं। धीरे धीरे नुपुर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभालने लगती है। ऐसे ही एक दिन नुपुर अपनी सास सरोज से कहती है, माँ जी क्या बनाऊँ खाने में, आप भी बोर हो गई है और मैं भी बोर हो गई हूँ। हाँ बहू, मैं तो बोर हो चुकी हूँ, आज कुछ अच्छा सा खाना बना दे। अच्छा सा खाना बनाने के लिए माँ जी हमें शॉपिंग पर जाना होगा। इतना बोलकर दोनों सास बहू निकल जाती हैं और डेयरी पर जाकर पनीर, चाप, क्रीम खरीदते हैं, जिसके बाद में दोनों मार्केट से सामान लेने चली जाती हैं, जहां वो पर्दे और चादर खरीदती हैं। थोड़ी दूर जाकर नुपुर की नज़र एक जीन्स की शॉप पर पड़ती है, जो कि 80% सेल पर बिक रही होती है, वो भी बाय वन गेट वन फ्री। नुपुर अपने सास को वहाँ लेके जाती है और कहती है, माँ जी जीन्स बहुत सस्ती मिल रही है, आप कहे तो मैं ले लूँ, एक के साथ एक फ्री है। अरे बहू, पागल वागल हो गई है क्या, गली वाले क्या कहेंगे, नहीं तू जीन्स नहीं पहनेगी। माँ जी प्लीज 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 मुझे लेने दो ना, बस 50 रुपए की मिल रही है, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे तू घर चल, घर जाके खाने की तैयारी करनी है, समझी, नहीं लेनी कोई जीन्स विंस। सरोज के लाख मना करने पर भी नुपुर उस जीन्स वाले से काफी तादाद में जीन्स को खरीद लेती है और घर जाने के लिए उसे एक ऑटो करना पड़ता है। घर आकर वो सारी जीन्स रखती है और हर जगह जीन्स ही जीन्स दिखाई देती है, और ये देखकर सरोज बोलती है, हे महारा राम जी, एक लंगड़ी एक काणी, मैं अगली सयाणी, अरे किस किस ने संभालू, देख बहू कितना सारा ढेर लगा दिया, अरे इतनी सारी जींस तू पहनेगी क्या, पैसा बर्बाद कर दिया सारा। माँ जी मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम जींस की सेल लगा दे, प्राइस बढ़ाकर बेच देंगे। आइडिया तो अच्छा है,
पूरा दिन तो खराब ही कर दिया तूने इस जींस के पीछे। और वैसे शुभम आने वाला है, खाने की तैयारी कर ले। नूपुर जल्दी से खाने की तैयारी में लग जाती है। घड़ी में 7 बज जाते हैं। शुभम भी ऑफिस से वापस आता है और आते ही खाने की खुशबू सूंघकर बोलता है, अरे वाह, इतनी अच्छी खाने की खुशबू, देखता हूँ क्या क्या बना है। ओ, चाप की सब्जी, शाही पनीर, नान, क्या बात है, नूपुर इतना टेस्टी खाना बनाया तुमने। तभी नूपुर और सरोज भी आ जाते हैं और सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद में सास बहू अपनी जीन्स की शॉप खोलने के बारे में उसको बताते हैं। उसकी बातों को सुनकर शुभम एग्री हो जाता है। कुछ समय बाद में ही दोनों सास बहू मिलकर जीन्स की एक छोटी सी शॉप डाल लेते हैं और उन्हें 50% सेल पर बेचते हैं। काफी लड़कियां आकर नूपुर से जीन्स खरीदती है। तभी उसकी शॉप पर 2 लड़कियां आती है और वो लड़कियां एक ही टाइम पर एक ही जीन्स को उठाकर बोलती है, ओ हेलो, पहले मैंने उठाया इसे। एक्सक्यूज मी, पहले मैंने देखा है और मैंने ही उठाया है। मुझे दो ये, मैं लूंगी इसे। जी नहीं, पहले मैंने लिया है इसे। अरे आप दोनों लड़ना बंद कीजिए, ये एक ही साइज है और सॉरी ये लास्ट पीस ही है, आप दोनों में से कोई एक ही ले सकता है इसे। अरे बेटा ये ट्राई कर, स्ट्रेचेबल जींस है, इसे कोई भी पहन सकता है। सरोज की बातों को सुनकर वो लड़की दूसरी जींस ले जाती है। कुछ दिन बाद ही उसकी शॉप पर वो लड़कियां वापस आती है और एक लड़की हाथ के रैशेस दिखाते हुए उसे सुनाती है, अरे ये कैसी जीन्स दिया आपने, इसे पहनकर मेरे पूरी बॉडी में रैशेस हो गए हैं, और मुझे दूसरी जीन्स दो, ये डिफेक्टेड निकली, आपकी सारी जीन्स एक जैसी हैं, अब बताइए मैं क्या करूं। एक एक करके नूपुर को सारी लड़कियां सुनाती है कि एक तो उसने इतनी महंगी जीन्स बेची और ऊपर से सारी डिफेक्टिव थी। ये सुनकर घर आकर नूपुर बहुत रोती है और बहू को ऐसे देखकर सरोज उससे बोलती है, देख ले बहू, तुझे समझाया था ना, लेकिन तू तो मानी ही नहीं, तेरे पैसे भी गए और तेरी इज्जत भी, और कितनी लड़कियों से तुझे सुनना पड़ा, और अगर उनमें से वो रैशेस वाली लड़की ने अगर पुलिस कंप्लेन कर देती तो तेरा क्या होता। इसीलिए सड़क पर से इतने सस्ते सस्ते माल नहीं लेना चाहिए, अगर तुझे सेल करने का इतना ही शौक है ना, तो किसी अच्छी जगह से खरीदारी कर और जींस सेल कर। अजी मुझे आपकी सारी बात समझ आ गई, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं जींस की सेल के चक्कर में कुछ ज्यादा ही लालची हो गई थी। देख बहू, अगर तुझे जींस सेल करनी ही है तो अच्छी क्वालिटी का लेकर आ और सेल कर। वक्त बीतता है, सरोज के कहने पर नूपुर इस बार अच्छी क्वालिटी की जींस लाकर उसकी सेल लगाती है और हर सैटरडे संडे सरोज भी आकर शॉप पर नूपुर की मदद करती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।